अच्छा तो हम स्टार्ट कर दें। गुड जी आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम रजनीकांत यदु है। मैंने सीजीपीएससी 2018 पे 134 रैंक हासिल करी हुई है और मुझे स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला हुआ है। कुछ ही महीने पहले मैंने इस पोस्ट पे ज्वाइन की है, जुलाई 1 तारीख को। और अभी बस लॉकडाउन की वजह से मेरा ऑफिस में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, ऑफिस सील हुआ है अभी, अभी फिलहाल घर पे ही हूँ। ने पूछा कि यूपीएससी के लिए कहाँ रह के तैयारी करना चाहिए, तो आप इसके लिए देख अपने आप जहाँ रहते हैं वहाँ अगर कोई मतलब कोचिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, कोचिंग आपकी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपको क्या चाहिए, लक्ष्य आपको पता है कि हाँ मेरे को यूपीएससी बनना है या आईएएस बनना है या कुछ भी स्टेट सर्विस का लेना है, आपको लक्ष्य पता है और आपको रास्ता भी पता है कहीं ना कहीं, कि आपके पास बुक सोर्स है, सब बुक मिल जाता है आजकल मार्केट में, कहीं भी आप पढ़े ऑनलाइन बहुत सारे आपको बुक सोर्स मिल जाती है, बुक लिस्ट भी मिल जाती है, बुक भी आ जाता है आपके पास, तो अब आपको वो पढ़ के वहाँ रास्ता तक तय करना है। कोचिंग का क्या हेल्पफुल रहता है कि वो कोचिंग आपके रास्ते को इजी बना देता है, जो भी रास्ते में उबड़ खाबड़ है वो उसको सपाट बना देता है। आप उसमें कोचिंग पे आप धीरे धीरे करके वो रास्ता दिखा रास्ता बना देता है सिंपल, तो आप उसमें चल के जाते हैं आराम से, लेकिन चलना आपको ही है, कोचिंग आपके रास्ते को थोड़ा स्मूथ बना देता है, बस ये डिफरेंस है। तो आप अगर आप वो चीज को खुद ही कर सकते हैं तो आप ही खुद ही तैयारी कर, सेल्फ स्टडी करके आप ये कर सकते हैं, तो आप खुद ही कर सकते हैं इस चीज को। सेल्फ स्टडी अगर आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी करके भी या ऑनलाइन क्लासेस लेकर भी कर सकता हूँ, तो आप ये कर सकते हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, या आप आईएएस एकेडमी ने भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव चालू किया है, मुझे पीयूष ने बताया था कि उनका, मैंने देखा भी था उनका यूट्यूब चैनल पे, जिसमें ये अपना प्रीलिम्स के बारे में बता रहे हैं, तो उनका डिटेल स्टडी बता रहे हैं। पीयूष इनके बारे में कुछ आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। जी रजनीकांत, हम लोगों ने जो अभी इनिशिएटिव चालू किया है उसमें पीटी स्पेशल हम लोगों ने एक चालू किया है, जिसे खुद रितेश जी हैंडल कर रहे हैं। तो उसमें डेली हम लोग 5 MCQs देते हैं, लोगों को डिस्कशन करते हैं उनके ऊपर। उसके अलावा मेंस का भी वो चालू कर दिया है, और आर्ट एंड कल्चर की सीरीज हम लोग ला रहे हैं, और सी सेट वगैरह की भी हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लासेस। इसमें मतलब जो भी इनिशिएटिव्स हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी के लिए हम लोग कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, और जितने भी इनिशिएटिव हैं वो टू हेल्प ऑल दीज एस्पायरेंट, ये हमने शुरू किया है। और हमारा ऐप भी जो है अभी प्ले स्टोर में पब्लिश हो गया है, कुणाल जी एंड अदर्स हैव ट्राइड वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद जो है ऐप भी हमारा एक प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो उसमें हम लोगों ने सभी के नोट्स जो है वो अपडेट कर दिया है। छत्तीसगढ़ पीएससी के थोड़े नोट्स मुझसे शेयर कर दीजिएगा, मैं उसमें अपडेट कर दूंगा। तो चीज़ें ये हैं कि मतलब हमने ये ट्राई किया कि हम एस्पायरेंट को दिल्ली कोचिंग ना जाना पड़े, हम चीजों को जो है उनको यहीं उपलब्ध करा दे घर बैठे बैठे। तो ये एक ऐसा प्रयास था कि मतलब जो हमने चीजें झेली, जो हमने अपनी तैयारी के दौरान जब हम दिल्ली की ओर गए, तो वो चीज जो है बच्चे दिल्ली में कुछ नया तो हमें सीखने को नहीं मिला, बस यही था कि चीजें कि हमें ये बताया कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, लक्ष्मीकांत पढ़नी कैसे है, अल्टीमेटली वो पढ़नी तो हमें ही थी ना। जैसा मैंने बताया हम चलना तो हमको ही है, रास्ता बस वो थोड़ा सपाट कर देते हैं। तो बस यही रास्ता सपाट करने के लिए हम लोगों ने कोशिश की, मतलब बहुत बच्चे आप जैसे और बहुत बहुत दो तीन लोगों के मेरे पास मैसेज और भी आए थे, और कई लोग जो है मतलब ऐसे थे जिनके पेरेंट्स ने पर्सनली कॉल करके मुझे बोला कि आप लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, धन्यवाद इस बात के लिए। सो वी आर ट्राइंग टू गिव आर बेस्ट, बस यही है कि आप लोगों की तरफ से बेस्ट रहे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कार्व आउट रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल आएंगे और आए भी हैं। यू आर वन ऑफ द एग्जाम्पल अमंग देम कि व्हाट्सएप पे भी अगर चीजें मिले तो चीजें की जा सकती है। वो कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से जब कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो रजनीकांत यदु इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जिन्होंने इंटरव्यू से ठीक पहले अगर वो बता रहे थे कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन उनसे पूछी थी, तो वो न्यूज़पेपर तो सभी के लिए अवेलेबल है ना, चीजें सभी के लिए अवेलेबल है, बट उनको रिसोर्स को एक्सेस करना, उनको चीजों को यूज करना, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। सो बाकी चीजें इनके ऊपर हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव देम बेस्ट कंटेंट। तो आप इस चीज में मोह में मत फंसिए कि दिल्ली में जाना है या कहीं और जाना है करके पढ़ाई करना है, आपको सोर्स सारी चीजें आपको घर बैठे मिल रही है, अगर आप डेडिकेशन आपका लेवल उस लेवल का है कि आप हाँ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में,
तो आपके पास सारी चीजें मिल जा रही है, अब आपको उस पर फोकस रह के पूरा अपना 100% दे के आपको मेहनत बस करना है। आप इस मोह में मत फंस रही है कि दिल्ली में जो लड़का है वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसको ज्यादा सोर्सेस मिल रही है। सोर्सेस उसके पास भी वैसे ही है जैसे आपके पास भी जो मिल रही है, बस आपको अपने ऊपर भरोसा रख के कॉन्फिडेंट रह के बस अपना पढ़ाई पे फोकस रखना है और उस पर दिन रात आपको मेहनत करनी है बस। तो आपको डेफिनेटली आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। मैंने भी यही कोशिश था, मेरा 2017 पे ग्रेजुएट था, मेरा यही कोशिश था कि मेरे को जैसे भी करके जल्दी से जल्दी बनना है, और मैं इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत किया और जितना भी हो सके उतना पढ़ाई किया और जाके फाइनली मेरे को स्टेट पीसीएस की पोस्ट मिली है। तो आप यही मैं यही आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप जितना हो आप अपना अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए, अपने जो कॉन्फिडेंस को भटकने मत दीजिए, अपना ध्यान को भटकने मत दीजिए। क्या होता है ये जो सिविल सर्विसेज की जर्नी है बहुत लंबी है, इसके दौरान बहुत सारे अप डाउन आते हैं, पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम आते हैं, फैमिली लेवल पे प्रॉब्लम आते हैं, लव प्रॉब्लम आते हैं, कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इशू रहते हैं। तो आप उन सब चीजों को आप माइनर रखिए, आपका जो मेजर है वो आपको अपना टारगेट रखना चाहिए कि हाँ मुझे वहां पहुंचना है किसी भी हाल में। बस आप ऐसा लक्ष्य रखेंगे तो आपको वो टारगेट जरूर मिलेगी। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा। शायद किसी ने कुछ पूछा था जूलॉजी ऑप्शन के बारे में, जूलॉजी ऑप्शनल के लिए मैंने पहले सोचा था बट मैंने जो है ये ऑप्शनल लिया नहीं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है इसके बुक वगैरह के बारे में। आप इसे देख सकते हैं कहीं बुक सोर्स इसकी अवेलेबल हो, तो मैं इसके बारे में और नहीं बता सकता, ज्यादा नहीं बता सकता जूलॉजी ऑप्शनल के बारे में। सर आप और किसी की कुछ क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सर आप कितना समय तक पढ़ाई करते थे? सर जी पारस जी ऐसा है कि अपना हो जाता था, मैंने ऐसा ऐसा कभी तो गिना नहीं घंटे पे, लेकिन यही कोशिश रहती थी कि सुबह उठे 6 बजे से, तो फिर नाश्ता वास्ता किए, 8 बजे से एक सेशन रह जाता था 12 बजे का, 12 बजे खाना खाए, 1-2 घंटे के बाद फिर बैठे शाम को 5 बजे का सेशन, 5 बजे तक, 2 से 5, फिर चाय वाय पिए, फिर 7 बजे से 8 बजे, 8-9 बजे तक का एक सेशन, फिर खाना वाना खाए, 9 से 10 हो गया, फिर 11 से 12 1 बजे का एक सेशन। तो इसी तरह से सेशन वाइज ही मैं पढ़ाई करता था, बीच बीच में ब्रेक लेके आधा आधा 1-1 घंटे का खाना वन खाना लंच चाय वगैरह के लिए। तो आप इसी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ज्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने मत दें। अगर आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो आप स्ट्रिक्टली बैठे और मेंटली बैठे, ना कि ये सिर्फ पढ़ाई करने के लिए या पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को दिखाने के लिए आप बैठ रहे हैं, तो आपको माइंड को उस जो आप पढ़ रहे हैं वहां पे आपका माइंड रहना जरूरी है। अगर आपका आप पढ़ने बैठे हैं और आपका माइंड कहीं किसी मूवी पे है, किसी और के बारे में है, तो वो चीजें कोई मतलब नहीं है फिर आपको पढ़ाई करने का। कितना ईयर तक यूपीएससी के लिए पढ़ाई करना चाहिए, तो आप ईयर मत सोचिए आपकी कितना ईयर पढ़ना है क्या करना है, आप उतना ध्यान मत दीजिए। आप अभी याद ध्यान दीजिए कि मेरे को अपना जीएस का सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है और मेरे को अपने जीएस कब तक कितना पूरा स्ट्रांग रखना है। आप अपना एक टारगेट रखिए कि हाँ मैं 2 महीने में अपना जीएस पूरा पढ़ूंगा, उसको रिवाइज करूंगा, एथिक्स पूरा पढ़ूंगा, ये चीजें करके आप रखिए। आप ये मत सोचिए कि ईयर कितना साल तक तैयारी करना पड़ेगा, ऐसा मत सोचिए। आपका अभी कहाँ पोस्टिंग है सर? एमडी सलमान, मेरा पोस्टिंग अभी रायपुर छत्तीसगढ़ पे ही है, रायपुर पे ही जीएसटी ऑफिस पे मेरा पोस्टिंग हुआ है। स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर है मेरा पोस्ट। और किसी के कोई जी डाउट्स हो तो प्लीज पूछ ले, क्योंकि हाँ, ये बहुत ही अच्छा। रजनीकांत जी होता कई बार ये है कि किस्मत दरवाजे को खटखटा रही होती है और बंदा जो है ये पहचान नहीं, वो कहते हैं कि किस्मत कई बार ये दरवाजे को खटखटा रही होती है और हम लोग सोए होते हैं। सो आई हाँ थिंक हाँ जो जो लोग यहाँ सेशन में हैं वो लोग तो काफी सीरियस हैं और काफी लोग मतलब इसका लाभ भी उठा रहे हैं, और बहुत लोगों ने पर्सनली मैसेज भी किया कि सर दैट वाज नॉट पॉसिबल कि हम किसी आईएएस टॉपर, किसी आईआरएस ऑफिसर, किसी प्रीलिम्स टॉपर सुदर्शन लोधा जैसे लोगों से हम लोगों का इंटरेक्शन इस गाँव में रहते हुए पॉसिबल हो पाता। चीजें यही थी, शिव कुमार जी हैं, लोको पायलट हैं रेलवेज में, सो वो भी बार बार यही चीज मैसेज कर रहे थे कि वी आर कंटिन्यूअसली गेटिंग मतलब जो टॉप नॉच लेवल की जो कोचिंग में चीजें प्रोवाइड होती हैं वो उनको मिल रही हैं, बट यही है कि उसका यूटिलाइजेशन वो आप कैसे करते हैं, अब पूरा पूरा जिम्मेदारी उनकी हाँ बन जाती है। अब ये जितने लोग यहाँ मौजूद है ना वो ये नहीं कह सकते कि हम दिल्ली कोचिंग नहीं गए इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। अब अगर इनका सिलेक्शन रुकेगा तो अपने उससे रुकेगा कि इन्होंने तैयारी प्रिपेरेशन जो थी वो अच्छे से नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि सोर्सेस सब सबके पास है, सबके पास मिल जा रहा है जो चाहिए वो, अब घर बैठे बैठे सारी चीजें मिल जा रही है। अब आपको देखना है कि आपको किस तरह से उस सोर्स को यूटिलाइज करना है।
आप घर बैठे आपको मिल रहा है, घर में बैठे आपको, घर में घर वाले खाना बना के दे रहे हैं, सब कुछ बना के दे रहे हैं। आप कहीं बाहर जाते हैं, आपको किसी के टिफिन का वेट करना, टिफिन के खाने की क्वालिटी का, जैसे पता ही होगा दिल्ली में, मैंने भी देखा हुआ है कैसा क्वालिटी रहता है, क्या रहता है। तो आप वो चीजें, अगर आप घर बैठे वो चीजें मिल रही है, सब कुछ सुविधाएं मिल रही है, तो आप उस पर और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं ना। आप ये मत सोचे कि बाहर जाऊंगा तो ही हो पाएगा, घर बैठे आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है, आप उस चीज को फोकस रह के पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल आपको जरूर सफलता मिलेगी। और मेरा आपको गुड विशेष है, आपको जरूर मिलेगी। जितने भी तैयारी करने वाले हैं, सीरियस लेके आप इसकी तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और मैं यहाँ पीयूष और उनकी टीम को भी बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो IAS स्तर की लेवल की जो बुक सोर्सेस है वो देश के ग्रामीण स्तर तक भी पहुंचे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो आप इस इनिशिएटिव का साथ दें, ना कि कुछ कुछ लोगों द्वारा इन्हें डाउनवर्ड करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कल मैंने देखा हुआ था। तो आप उन चीजों को सपोर्ट ना करें, इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर रहा है, इनका सहयोग करें और इन्हीं के साथ आगे बढ़े, जरूर आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जी पीयूष, शायद सारे क्वेरी सबके खत्म हो गए, तो हम